मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल बटन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए फूल गोभी आधा किलो, बीफ या मटन जो भी आप चाहें एक किलो गोश्त ले लें, बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 टमाटरों का पेस्ट, 1 कप तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, दही 3 से 4 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून। अब हम सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 कप तेल डालेंगे। उसे गरम करने के बाद हमने जो बारीक कटी हुई प्याज है वो डालनी है और इसे फ्राई करना है। आप इसको तकरीबन इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, जो कि हल्की सुनहरी हो जाए, उस वक्त तक आप इसे अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई करते रहें इसे और हल्का सुनहरा कलर आने पर हम बाकी की चीज़ें इसमें डालना शुरू करेंगे। अब देखें इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। इसको और हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई करते जाएं, चमचा चला चला के। कलर इसका खुद से आहिस्ता आहिस्ता सुनहरा होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया, सुनहरा पे हो गया कलर इसका। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला इसमें। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अच्छी तरह से इसे फ्राई करें। अदरक लहसुन प्याज के साथ फ्राई हो जाएंगे तो फिर बाकी की चीज़ें हम डालना शुरू करेंगे। Thank you.
अब इसका कलर चेंज हुआ है, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गए हैं दोनों। अब आपने इसमें जो है वो बीफ का जो गोश्त हमने लिया था 1 किलो वो डालना है। इनको आप अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए, आपने इतना फ्राई करना है। देख सकते हैं आप, 3 ही चीज़ों को आप अच्छी तरह से फ्राई करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये फ्राई हो गया गोश्त, हम इसमें डालेंगे दही। दही डाल के इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। आप मसालों को जितना अच्छा फ्राई करेंगे खाने का टेस्ट उतना अच्छा आता है। देखें इस तरह से हमें फ्राई करते जाना है। अब हम बाकी के मसाले डालना शुरू करेंगे। धनिया पाउडर हमने सबसे पहले डाला, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद आपने इसे फिर मिक्स करना है। उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। चूल्हे की आंच जो है आपने दरमियानी रखनी है, ना बहुत तेज़ ना बहुत ही कम। कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हम आप इसमें डालेंगे नमक, हसब ज़रूरत है, जैसे आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप नमक डालें। फ्राई करें इसे, मिक्स करें अच्छी तरह से। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मसाला फ्राई करना है, गोश्त मसाला प्याज ये सब अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब आप इसका ढकना हटाएं। जब आप देखेंगे ढकना हटाएंगे तो और चेक करेंगे तो गोश्त गल चुका होगा। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटरों का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें, फ्राई करें। गोश्त गल चुका है, अब हम इसमें फूल गोभी डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह गोश्त के साथ जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई करना है आपने। फ्राई कर दिया आपने इसको अच्छी तरह से। अब आप इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ढकना हटाएंगे, फिर चेक करेंगे। अब इसे 5 मिनट के बाद थोड़ा सा चलाएंगे चमचा इसमें।
आपने अब अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है ताकि जो इसका तेल है वो सेपरेट हो जाए। आप फ्राई कर लेंगे उसके बाद आप अपने क्या करना है कि इसके अंदर हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि जब भी आपने सालन के अंदर गोश्त गलाना है तो हम उसमें यखनी का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीफ स्टॉक ही आपने लेना है, और अगर आप मटन है तो मटन का यूज़ करेंगे यखनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बीफ इस्तेमाल किया है तो मैं यहाँ पर बीफ की ही यखनी लेकर इसको जो है वो गोश्त गलाने के लिए भी यूज़ किया पानी की जगह, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। जब भी आप सालन के अंदर यखनी का इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े का इसका जो है वो टेस्ट आता है। तो आपने भी यही करना है। अब यहाँ पर मैं आखिर में इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने स्टॉक रखा था बीफ का, मैं वही इस्तेमाल करूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और चमचा चलाते जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से आपने ये पूरा जो बड़ा प्याला मैंने यखनी का लिया है वो बीफ की यखनी का वो मैं पूरा डाल दूँगी। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, यखनी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो गोश्त जिसका आप सालन बना रहे हैं उसी को आप एक थोड़े से पानी के अंदर, मतलब आप आधी देगची पानी के अंदर उसे नमक अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के चढ़ा दें, और आपके पास जब गोश्त भी गल जाएगा और उसके बाद आपकी जो है वो यखनी भी तैयार हो जाएगी। और अगर चाहें आप ज़्यादा तो उसके अंदर प्याज भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब हमने इसमें डाल दिया सारा स्टॉक, और उसके बाद फिर हमने जो है इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। यहाँ पर हमने इसका ढक्कन ढक दिया है, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ढकना हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। ग्रेवी भी आप जितनी इसकी जो है वो थिकनेस चाहते हैं, जितनी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप जो है वो रख सकते हैं, यखनी कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर के लिए ढक दें, चमचा चला के देखें, और उसके बाद आप फाइनली जब इसके ऊपर एक हल्की सी जो तेल की लेयर आ जाती है वो जब आ जाए तो आप उसको जो है डिश आउट कर लें। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार गोभी गोश्त तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाएं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़ा आएगा।